हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेबीज़ वायरस के बारे में। रेबीज़ वायरस इंसानों के शरीर में जब पहुंचता है तो ऐसा क्या होता है कि इंसान की मृत्यु हो जाती है, और साथ ही रेबीज़ वायरस का वैक्सीनेशन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, रेबीज़ वायरस का पता लगाया गया था सन 1804 में। आपको किसी अगर आवारा कुत्ते ने काटा है तो ये चांसेस है कि आपको रेबीज़ वायरस हो सकता है। किसी भी डॉग बाइट से या एनिमल बाइट से ये वायरस इंसान के शरीर में जा सकता है। दोस्तों, जिन एनिमल्स को ये रेबीज़ वायरस का इन्फेक्शन होता है उन एनिमल्स को हम बोलते हैं रैबिड एनिमल्स, जो कि रेबीज़ वायरस से संक्रमित हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी जो कि रेबीज़ वायरस से संक्रमित हैं उनकी लार या सलाइवा के थ्रू ये वायरस आपके शरीर में पहुंच सकता है। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे किसी कुत्ते ने आपको काट लिया, वो कुत्ता आवारा हो सकता है या पालतू हो सकता है। जनरली पालतू कुत्तों से हमें रेबीज़ वायरस नहीं होता, क्योंकि पालतू कुत्तों को ये सरकार का नियम है कि जितने भी पालतू कुत्ते होते हैं उनको 14 हफ्ते के अंदर, जब उनकी उम्र होती है 14 हफ्तों की, तब उनको वैक्सीनेट किया जाता है रेबीज़ वायरस के लिए। पर आवारा कुत्तों के साथ ऐसा नहीं होता। तो अगर आवारा कुत्ते ने आपको काटा है तो ये चांसेस हैं कि रेबीज़ वायरस आपको हो सकता है। तो आपको अगर कोई कुत्ते ने काटा है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है विद इन 24 आवर्स ऑफ बाइटिंग, और वहाँ पे जाके आपको डॉक्टर को सारी चीज़ें बतानी है कि वो कुत्ता आवारा था या पालतू था। उस कुत्ते का बिहेवियर आपको देखना है कि वो कुत्ता आपको हेल्दी लग रहा है या उसका बिहेवियर कैसा था, और उस कुत्ते को आपको ऑब्ज़र्व करना है अगले 10 दिनों तक, क्योंकि जो रेबीज़ वायरस से संक्रमित जो एनिमल होता है उसकी 10 दिनों के अंदर डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से रेबीज़ वायरस के बारे में आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि रेबीज़ वायरस के डायग्नोस्टिक पर्पस क्या होता है, कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। दोस्तों, एक फ्लोरोसेंट FAT टेस्ट होता है, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपके शरीर में रेबीज़ वायरस है या नहीं है। तो रेबीज़ वायरस जब हमारे शरीर में जाता है तो ऐसा क्या होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। दोस्तों, रेबीज़ वायरस किसी एनिमल के सलाइवा से जब उसने ह्यूमन को बाइट किया तो उसकी सलाइवा से आपके शरीर में पहुंचता है, और नर्व्स के थ्रू वो वायरस हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, और ब्रेन में पहुंचने के बाद ये वायरस रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और हमारे ब्रेन के अंदर डिटोरिएशन स्टार्ट होता है और 10 दिन के अंदर अंदर पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। जब आपको किसी डॉग ने काटा है तो इस पेशेंट को सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको जिस पार्ट पे कुत्ते ने काटा है वहाँ पे आपको 15 मिनट तक उस पार्ट को पानी के नीचे और सोप से धोना है, ताकि जो रेबीज़ वायरस का संक्रमण है उसको हम कम कर सकें। साथ ही अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन है, पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर को आपकी सारी जानकारी दे कि कौन से कुत्ते ने आपको काटा है, वो कुत्ता पालतू था या आवारा था। साथ ही आप उसको बता सकते हैं उसका बिहेवियर, कि कुत्ता दिखने में आपको कैसा लग रहा था, वो आलसी था या वो एग्रेसिव था। तो ये सारी जानकारी आपको देनी है। पहले कुत्ते के काटने पर आपको 14 इंजेक्शन लेने पड़ते थे, पर आज के सिनेरियो में ये सिर्फ 5 इंजेक्शन आपको देते हैं। पहला इंजेक्शन आपको 0 डे पे दिया जाता है, फिर तीसरे डे पे, फिर 5वें डे पे, 7वें डे पे और 14th डे पे आपको ये इंजेक्शन दिया जाता है। डेल्टोइड मसल पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं। रेबीज़ वायरस की वैक्सीन भी डेवलप हो चुकी है, और इस वैक्सीन को जनरली जो लोग रेबीज़ वायरस के लैब रिसर्चेस से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को दिया जाता है। साथ ही जो लोग एनिमल्स के साथ ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे ज़ू के अंदर कोई काम कर रहा है या फार्म के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इस वैक्सीनेशन को प्रोवाइड किया जाता है सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया है रेबीज़ वायरस के बारे में, रेबीज़ वायरस क्या होता है, इसकी वैक्सीनेशन किस तरीके से दी जाती है। US के अंदर तो एक लॉ बना हुआ है कि हर 14 वीक के अगर पालतू जानवर है तो उसको हर 14 हफ्ते की एज के अंदर ये रेबीज़ वैक्सीनेशन देना होता है। इंडिया में कितनी हद तक ये फॉलो होता है ये आप और मैं दोनों ही जानते हैं। तो अगर आपके पास कोई कुत्ता है या कोई जानवर है
जिसको आप पालते हैं, तो उसको रेबीज़ वायरस के लिए आप वैक्सीनेट ज़रूर करें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और रेबीज़ वायरस के बारे में लोगों को अवेयर करने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।